फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि हम क्या इनोवेटिव चीज़ करने जा रहे हैं, तो मैं आज आप लोगों को बता दूं कि आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट रेसबेरी पाई के थ्रू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आपको कैमरे का रेसबेरी पाई के साथ यूज़ करना है और आप इससे बहुत ही अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बना सकते हैं। मैंने इस कैमरे का प्रयोग करके एक सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरा बनाया है, जिसकी मदद से आप लोग आपके कमरे में आपकी अनुपस्थिति में कौन एंटर कर रहा है या जा रहा है यह आप देख सकते हैं। मार्केट में यह कैमरा अगर आप लेने जाएंगे तो आप लोगों को यह बहुत ही महंगा डिवाइस मिलेगा। इस डिवाइस की कीमत लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये तक की हो सकती है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि किस प्रकार से आप घर पर ही अपना घर पे सीसीटीवी कैमरा बना सकते हैं, जो कि आपके घर की 24 घंटे निगरानी रखेगा। तो आशा करता हूं यह वीडियो आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगा, और अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप और किस तरीके की इनोवेटिव वीडियो देखना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए मैंने आप यहाँ पर कुछ सामान खरीदा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यह है एक 7 इंच LCD डिस्प्ले, जो कि 800x480 रेजोल्यूशन में मैंने ख़रीदा है, और इसकी कीमत जो है दोस्तों, इसकी कीमत लगभग 4000 रुपये है। यह देखिए, यह आपको यहाँ पे LCD स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। यह एक टच स्क्रीन, कैपेसिटिव टच स्क्रीन है, जो कि 7 इंच की है। इसके साथ मैंने यह एक कवर ख़रीदा है, जो कि एडजस्टेबल है, जिसके थ्रू मैं इसको ऐसे स्टैंडिंग कर सकता हूँ। और दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बताऊं, रेसबेरी पाई का अपना ओरिजिनल केस भी आता है, जो कि बहुत ही महंगा है, लगभग 7000 रुपये उसकी कीमत है, जिसके साथ रेसबेरी पाई इसके बैक साइड में ही कनेक्ट हो जाता है। और यह देखिए दोस्तों, यह मेरा रेसबेरी पाई है, यह मैं आप लोगों को ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। यह कैमरे की माउंट केबल है, जिसके थ्रू आप कैमरे को रेसबेरी पाई के साथ लगा सकते हैं। और यह मेरा कैमरा है, जो कि मात्र 265 या 250 रुपये तक की कीमत का मार्केट में अवेलेबल है। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, यह एक HDMI केबल है, जिसके थ्रू यह टच स्क्रीन LCD आपकी रेसबेरी पाई के साथ कनेक्ट होती है। और यहाँ पे जो आप एक ब्लैक कलर की वायर देख रहे हैं, यह LCD को पावर सप्लाई के रूप में हमने लगाया, कनेक्ट किया हुआ है। और यह मेरा कीबोर्ड और माउस मैंने USB पोर्ट के थ्रू इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, समय नष्ट किए बगैर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इसको ऑन करके दिखाता हूँ, इस LCD स्क्रीन को, रेसबेरी पाई को। जब हम LCD स्क्रीन को ऑन करते हैं तो यह देखिए दोस्तों, यहाँ पे रेसबेरी पाई रेसबेरी पाई का ऑपरेटिंग सिस्टम है, वह अपलोड होना शुरू होगा। यह देखिए दोस्तों, यह रेसबेरी पाई का आइकन आ गया, और यह है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ दोस्तों। यह देखिए, यह रेसबेरी पाई अब इसमें अभी लोड हो रहा है रेसबेरियन। ये देखिए, यह रेसबेरी पाई के ऊपर यह लोड हो रहा है, और जैसे ही यह लोड हो जाएगा, यह देखिए, जैसे ही यह लोड हो गया दोस्तों, आज हम करने क्या जा रहे हैं, आज हम एक आपको सिक्योरिटी कैमरा बना के दिखाना चाह रहे हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको इस रेसबेरी पाई के अंदर एक पैकेज आता है, जो कि इसकी प्रोग्रामिंग में थोनी पाइथन IDE के नाम से होता है। तो पाइथन IDE को आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर अपना एक प्रोग्राम को लिखना है। यह देखिए दोस्तों, अगर आपको दिख रहा है तो आप यहाँ पे हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना है, जिसके अंदर हमें Z-Bar Cam के नाम से, जो कैमरा का एक फंक्शन है, उसको आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। मैं आपकी सुविधा के लिए यह कमांड नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही मददगार सिद्ध होगी। तो दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं है, इस प्रोग्राम को सिंपल यहाँ से रन करना है। यह देखिए, मैं इसको यहाँ से रन कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, यहाँ पर मेरे पास, यह देखिए, यह मेरा कैमरा ऑन हो गया, जिसके अंदर मेरे घर का पंखा आपको नज़र आ रहा है। अब आप देखिए, जैसे जैसे मैं इस कैमरे को मूव करूँगा, आप देखिएगा, यह सारी पिक्चर्स दिखाएगा। यह देखिए दोस्तों, कितना फाइन यह कैमरा चल रहा है। अगर मैं अपने इसको सिक्योरिटी अपने गेट पे लगा दूं, यह देखिए, यह मेरे कमरे का गेट है, जो कि अभी बंद है क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं। इसी तरीके से आप अगर देखना चाहें, जहां पे कैमरे की रिकॉर्डिंग हो रही है, यह कैमरा आपको दिखाएगा। यह मेरा ट्राईपॉड है, जिस ट्राईपॉड पे, यह देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह मेरा ट्राईपॉड है, जिसके थ्रू मैं कैमरे इस वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ।
और इस कैमरे को जैसे जैसे मैं मूव करा रहा हूँ आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। यह देखिए दोस्तों, मैं आपको आपकी सुविधा के लिए इसको यहाँ रख रहा हूँ। यह देखिए मैं आपको अपना रूम दिखा रहा हूँ जिस रूम में मैं टेक्निकल वीडियोज़ को क्रिएट करता हूँ। यह जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ, देखिए इसकी पिक्चर क्वालिटी कितनी अच्छी है, यह वैसे वैसे इसको चेंज कर रहा है। यह देखिए मैं इसी के अंदर आपको यह पोर्ट, यह कंप्यूटर जो स्क्रीन है LCD की, यह दिखा रहा हूँ। और जो बोर्ड अभी अभी मैंने आपको दिखाया था LCD स्क्रीन का डिब्बा, यह देखिए इस डिब्बे को मैं इसके थ्रू दिखा रहा हूँ। तो इसी प्रकार आप इसको, और अब मैं इसमें अपने आप को दिखाता हूँ। यह देखिए जिस तरीके से मैं मूव कर रहा हूँ, यह देखिए फाइन इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है कैमरे की। अब जैसे जैसे मूव कर रहा हूँ वैसे वैसे यह आपको नज़र आ रहा है। तो आप इस कैमरे को कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं और इसकी कनेक्ट करने से आप किसी भी तरह की एक्टिविटी जो आपके रूम में हो रही है उसको कैप्चर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगा और इसी प्रकार की और इनोवेटिव वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।